भारतीय संस्कृति में व्रत और त्यौहार का विशेष महत्व होता है। यह न केवल हमारे धर्म संस्कृति का हिस्सा होते हैं, बल्कि हमारे आंतरिक चेतना के जागृति भाव में नियोजित होते हैं। इसी भाव का एक त्यौहार हरितालिका तीज है, जिसे भारत के साथ विश्वभर की महिलाएं निर्वहन करती हैं। तीज व्रत को लेकर कई मान्यताएँ और परम्पराएँ प्रचलित हैं, जिनमें निर्जली और साधारण व्रत का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। आखिर क्या है इन दोनों व्रतों में अंतर, और क्या सच में तीज पर चार गुना पुण्य प्राप्त होता है? इस बारे में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने विस्तार से बताया है। निर्जली व्रत वह व्रत होता है जिसमें व्रती पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। इस व्रत में पूर्ण तपस्या का पालन किया जाता है। यह व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का अन्न, जल या फलाहार ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जली व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम, शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना होता है। जबकि साधारण व्रत में व्रती दिन भर उपवास रखती हैं, लेकिन इस दौरान वह फल, दूध, जल और फलाहार का सेवन करती हैं। देखिए, ये सबसे कठिन व्रत है और यह व्रत जो है 24 घंटा निराजल रहने का, इसमें जल भी ग्रहण नहीं करते, तो अन्य फलाहार की बात ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा आपका व्रत है और ये माताएं लोग करती हैं इस व्रत को। इस व्रत के द्वारा मन पर व्यक्ति के संयमन होता है। 24 घंटा निराहार रह करके बिना जल पिए हुए व्यक्ति जब देवता की साधना उपासना करता है, तो मन और इंद्रियां उसकी संयमित होकर के उस परमात्मा की ओर लगती हैं, और वह ध्यान जो है अपने ध्याता की ओर, अपने ध्येय की ओर लगाए रहते हैं लोग, तो ध्यान परमात्मा की ओर लगा रहता है। चूँकि यह व्रत माँ पार्वती ने किया था और कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था, सूखे पत्ते खा कर रहे, फिर उसको भी त्याग कर दिया था। शीत को भी सहा, गर्मी को भी सहा, जाड़े को भी सहा, और भगवान शिव की बालिकामयी जो है पिंडी बना करके उनका पूजन किया था। इसलिए महिलाएँ जो हैं अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए, अपने सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत रखती है। तो यह व्रत जो है बहुत कठिन होता है और यह तपश्चर्या का व्रत होता है। अन्य व्रत जो है साधारण व्रत होते हैं, उसमें हम जो है फलाहार कर सकते हैं, बीच बीच में जल पी सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक बूंद जल भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए यह व्रत बहुत कठिन होता है। जय विश्वनाथ।